सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना मनदीप सिंह वैसटन एजुकेशन सर्विसिज पटियाला के यूट्यूब चैनल के उपर थोड़ा सब का वैलकम कर रहा। फ्रेंड्स, अज का साडा टॉपिक है जी आयल्स दे विच रीडिंग मॉड्यूल दे विच ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर कही यस नो नॉट गिवन। इन दोनों नू स्टेप बाय स्टेप लैस टाइम दे विच एक्यूरेसी दे नाल असी किवें ये टास्क अकंपलिश कर सकते हैं, यह सब चीज़ां असी अज इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। अपां इहदे विच दो एग्जाम्पल डिस्कस करांगे। फस्ट एग्जाम्पल दे विच मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रक्चर है जिहड़ा वह इलैबोरेट करांगा, एंड सैकेंड एग्जाम्पल दे विच थोड़े नाल प्रैक्टिकली वो आपां एग्जाम्पल करके देखांगे। आपां अपनी एग्जाम्पल दे उपर चलदे हां। तो एग्जाम्पल दे जाण तों पहला दोस्तों, आपां जो स्ट्रक्चर मैं तुहानूं दस रहा जिस दे नाल आपां ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नूं कंप्लीट करना लैस टाइम दे विच एंड एक्यूरेसी दे नाल, वो स्टैप्स की ने वो मैं तुहानूं पहला वो दसदा, थोड़ा जिहा उसनूं इलैबोरेट कर। हाँ जी दोस्तों, जो मैं स्ट्रक्चर की गल कर रहा सीगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन दे लई, तुहाडी स्क्रीन दे उपर है, तुसी देख सकते हो की स्ट्रक्चर है। इस दे कुछ स्टैप्स ने जो आपां फॉलो करने ने, ते वो स्टैप्स किवें ने ते वो किद्दां वर्क करते ने वो मैं तुहानूं दसांगा। स्टैप वन हैगा जी, थोड़ा जो गिवन स्टेटमेंट है, जो एग्जामिनर थानू क्वेश्चन पूछ रहा है, उस गिवन स्टेटमेंट दे विच तुसी कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। वो करन तो बाद सानू की हेल्प करनगे कीवर्ड, सानू हेल्प करनगे साढ़े गिवन पैसेज दे विच साडा आंसर कित्थे है उसकी लोकेशन दसना। सो पहला स्टैप की है साडा, कीवर्ड नू आइडेंटिफाई करना, साढ़े गिवन स्टेटमेंट दे विच कीवर्ड नू आइडेंटिफाई करना। सैकेंड स्टैप है जी, आपां अपने पैसेज दे विच जाना ते अपने कीवर्ड नू स्किम करके देखना। आपां जो रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है एंड आपां देखना कि अपना कीवर्ड कित्थे लोकेट करदा, जिथे ही आपां नू कीवर्ड मिलदा हैगा वो साढ़े आंसर की लोकेशन होएगी। अपना थर्ड स्टैप की होएगा, थर्ड स्टैप दे विच आपां अपनी गिवन स्टेटमेंट दे उपर जाना है, उसनू केयरफुली रीड करना ताकि सानू पता लग सके उस स्टेटमेंट के पिछे कंसैप्ट की है, बहुत ध्यान दे नाल उस चीज़ नू रीड करना, ठीक है जी। एंड उस तो बाद अपना फोर्थ स्टैप, फोर्थ स्टैप दे विच की है, तुसी बैक अपने पैसेज के उपर जाना जिथे तो असी अपनी कीवर्ड दे नाल लोकेशन फाइंड आउट कीती सीगी। जिथे तुहाडा कीवर्ड होएगा उस ओहो कीवर्ड वाला सेंटेंस जिथों दी स्टार्ट हो रहा उस पूरे सेंटेंस नू रीड करना, उस पूरे सेंटेंस नू रीड करके वो की कह रहा उस चीज़ नू अंडरस्टैंड करना एंड अपने क्वेश्चन दे नाल यानी कि गिवन स्टेटमेंट दे नाल रिलेट करना। जे ता थोड़ा गिवन स्टेटमेंट एंड थोड़े पैसेज दी स्टेटमेंट दी इनफॉर्मेशन एक दूजे दे नाल रिलेट कर दिया ने, मीनस कि वह कंप्लीटली एग्री ने, ता थोड़ा आंसर ट्रू होएगा। जे तुहाडी गिवन स्टेटमेंट दे विच एंड तुहाडी पैसेज दी स्टेटमेंट दे विच थोड़ा बहुता भी या फिर कंप्लीटली ओपोजिशन हैगी है, मतलब कि वो दोनों स्टेटमेंट एक दूजे नू कॉन्ट्राडिक्ट कर रही ने, ता तुहाडा आंसर जिहड़ा है वह फॉल्स होएगा। नॉट गिवन आंसर थोड़ा उदों होएगा जदों गिवन स्टेटमेंट एंड पैसेज दी स्टेटमेंट एक दूजे दे बिल्कुल इररेलीवेंट ने। इन सब चीज़ों नू आपां इस स्ट्रक्चर दे नाल सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। इनिशियली ये जो स्ट्रक्चर है यह थोड़ा टाइम लेगा वर्क करन दे विच, पर जदों तुहानू इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस दे नाल तुसी स्टैप बाय स्टैप लैस टाइम दे विच एक्यूरेसी दे नाल अपना आंसर है जिहड़ा वह फाइंड आउट कर सकोगे। आपां हुण अपनी एग्जाम्पल दे नाल स्टार्ट करांगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तुसीं इह स्टैप्स ने जिहड़े इह लिखणे आ तां लिख सकते हो, मैं फिर उस तो बाद अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करांगा। तो अपनी फस्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हुंदी है जी, वह हैगी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली। जदों ही तुसी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दी स्टेटमेंट ते आंदे हो, तुसी एक चीज़ बहुत केयरफुली रीड करनी है, वो हैगी है जी कि वो की चीज़ पूछ रहा, सानू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछ रहा या फिर यस नो नॉट गिवन पूछ रहा। जिस चीज़ की एग्जामिनर डिमांड करता है तुसी वही लिखना, जे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछ रहा तो तुहाडा आंसर ट्रू फॉल्स या फिर नॉट गिवन च होना चाहिए। जे वो यस नो नॉट गिवन की डिमांड कर रहा है तो आंसर यस नो या फिर नॉट गिवन होना चाहिए। सो आप स्टार्ट करते हैं थोड़े एट्थ क्वेश्चन के नाल। एट्थ क्वेश्चन की कह रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो तुम। वो कह रहा है कि पहला, सब तो पहला अपना स्टैप वन जो है आप करा आइडेंटिफाई करा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स किवें आइडेंटिफाई होगी इस स्टेटमेंट को रीड करके।
methods for predicting the earth's population have recently changed. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥਡਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਗਈ ਅਰਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਡ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਮੈਥਡਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟ ਮੈਥਡਸ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਡ ਅਰਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਂਗ ਬਾਏ ਦਾ ਈਅਰ 2050 ਨੀਅਰਲੀ 80% ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ 2050 ਤੱਕ ਸਾਡੀ 80% ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਟੂ ਕਰੰਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਅਬਾਊਟ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਦੈਨ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਕੁਝ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡਸ ਜੇ ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜ 18 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਇਹ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਸਮ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ
किसने ये काम किया? ह्यूमंस ने। दूजा हैगा कीवर्ड डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन किस चीज़ दी? फूड प्रोड्यूसिंग लैंड दी। ये साढ़े कीवर्ड्स ने, असी इस कीवर्ड की हेल्प के नाल की करांगे अपना आंसर की लोकेशन फाइंड आउट करांगे। आप पैराग्राफ इस तो अगे पढ़ना स्टार्ट करांगे। आप की लभना है जी, देखो अपने कीवर्ड की सी जी, रिस्पोंसिबल डिस्ट्रक्शन एंड फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। देखते हैं जी फूड प्रोड्यूसिंग लैंड की गल कितने कर रहे हो। न्यू लैंड की गल कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड की गल नहीं कर रहा है। इन फूड टू फीड दैम फार्मिंग मैथड्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग मैथड्स। वेस्ट, वेस्ट हो जाना, वेस्ट हो जाना, खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कौन करते हैं? ह्यूमंस। ह्यूमंस पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। इंश्योर फूड फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, फूड की गल हो रही है, ठीक है जी। मैं लगता है इस पैराग्राफ के अपना आंसर होएगा। सो आप इस पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश करेंगे। अपना जो गिवन स्टेटमेंट है उस पूछ रहा है कि ह्यूमन जड़े ने रिस्पोंसिबल ने डिस्ट्रॉय करन दे ली कुछ लैंड नू, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड नू, कुछ लैंड नू। तो आप इतों की स्टार्ट करांगे पढ़ना। हिस्टोरिकली सम 15% ऑफ दैट हैज़ बीन लेड वेस्ट बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। वो कह रहा है कि हिस्टरी दे विच देखा गया कि 15% लैंड है जिहड़ी वह वेस्ट हो गई। क्यों हो गई? पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस दे करके। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कौन करते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन करके कुछ परसेंट लैंड जिथे फूड ग्रो किया जा सकता सीगा वह वेस्ट हो गई। अपने क्वेश्चन दे विचों की पूछ रहा सानू, क्वेश्चन दे विचों पूछ रहा कि लैंड है जिहड़ी वह कुछ लैंड खराब हुई है ह्यूमनस करके। बिल्कुल, तो साडा जिहड़ा आंसर है ये नाल रिलेट करता, तो साडा आंसर की होएगा जी? ट्रू। हुण आपां अगले क्वेश्चन वल वधांगे। अगला क्वेश्चन की कहता है? द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन द सीजन। कह रहा है कि वह जिहड़ियां क्रॉप्स ने प्रोड्यूस की जांदियां ने वर्टिकल फार्म के उपर वह डिपेंड करदियां ने ऑन द सीजन। हुण अपने कोल इत्थे आपां देखना कीवर्ड, कीवर्ड कहड़े ने जी? एक कीवर्ड हैगा सीजन, सीजन कीवर्ड लभना, एंड वर्टिकल फार्म लभना। क्रॉप की गल तो, क्रॉप प्रोडक्शन की गल तो पूरे पैसे दे विच हो रही है, सीजन की गल तो वर्टिकल फार्म की गल वो कित्थे कर रहे हैं। आपां ये चीज़ आंसर दी लोकेट करने की कोशिश करनी है। आपां आंसर पढ़ना स्टार्ट करांगे। वर्टिकल फार्म की गल हो रही है जी। सीजन देखना है थ्रू आउट द सीजन, सीजन वेदर की गल हुई है, सीजन की गल नहीं हुई। क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज की गल हो रही है, सीजन की गल नहीं हो रही। दिस पोटैटो वर्टिकल फार्मिंग फिर आ गई। ऑल अराउंड द ईयर, ऑल अराउंड द ईयर ये सीजन ही नहीं जी। इतने देखते हैं जरा एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में की कह रहे हैं? द सपोर्टर्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, जो सपोर्टर ने वर्टिकल फार्मिंग के हक विच ने जिहड़े बंदे वो क्लेम करते हैं मैनी पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। वो कहते हैं कि इस वर्टिकल फार्मिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैगियां ने। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि क्रॉप्स वुड बी प्रोड्यूस्ड आल ईयर अराउंड। कहते कि सब तो वड्डा बेनीफिट की है, क्रॉप्स ने जिहड़ियां थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस कीतियां जा सकदियां ने।
as they would be kept in artificially controlled optimum growing conditions, jithe unna nu bahut vadhiya growing conditions mil sakan artificially control karke assi pura saal hi crop produce kar sakde ha. So apna answer ki question ki keh reha siga apan nu, अपना क्वेश्चन कह रहा है जी, द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल फार्मिंग विल डिपेंड ऑन द सीजन. ये कहता है कि वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर जी क्रॉप प्रोडक्शन होएगी वो सीजन ऊपर डिपेंड करेगी. वो कह रहा है कि सीजन के ऊपर डिपेंड करेगी, पर अपने आंसर के जिथे आप पैराग्राफ लभ्या वह कह रहा है कि सीजन का कोई चक्कर नहीं है, आप पूरे साल क्रॉप है जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका मतलब की है कि अपने गिवन स्टेटमेंट एंड अपनी इनफॉर्मेशन है जी पैसे की, वह दोनों एक दूजे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं. तो साडा पॉसिबली आंसर होना चाहिए जी फॉल्स, साडा आंसर यदा होना चाहिए फॉल्स. नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी. सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज. की कह रहा है कि कुछ डैमेज फूड्स नू फूड क्रॉप नू ओह किस करके होया, क्लाइमेट दे चेंज होण करके. क्लाइमेट जदों चेंज होया हुंदा है तो उदो फूड क्रॉप्स नू कुछ डैमेज हुंदा है. तां अपना इत्थे कीवर्ड्स की होणगे जी स्टूडेंट्स, अपने कीवर्ड होणगे क्लाइमेट चेंज एंड डैमेज. क्लाइमेट चेंज एंड डैमेज अपने पैराग्राफ वाल वापस जावांगे. आप मैं लगता आप इतने लिखा सी क्लाइमेट चेंज देखा सी, क्लाइमेट चेंज यस क्लाइमेट चेंज की गल इतने हो रही है जी. क्लाइमेट चेंज वाले पैराग्राफ में आप पढ़ने की ट्राई करांगे कि हाँ जी आप अपने आंसर के पढ़ने की कोशिश करांगे कि कह रहा वो क्लाइमेट चेंज के बारे की गल कर रहा है कि मैसिव फ्लड्स बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने दे नाल लोंग ड्रॉट्स सुक्का पैन जाने दे नाल हरीकेन्स आने दे नाल एंड सैवरल मौनसूनस जदों सैवरल मौनसूनस आते हैं टेक देयर टोल ईच ईयर वह आते ही रहते हैं हर साल. वो की करते हैं डिस्ट्रॉइंग मिलियन ऑफ टनस ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप. की कर देंगे ने वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ने मिलियन ऑफ टनस ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप, बहुत ज़्यादा अपनी क्रॉप है जी उसनू बर्बाद कर देंगे ने. सो इसका पॉसीबल आंसर की होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वह उस अपने गिवन स्टेटमेंट के भी यही गल डिस्कस कर रहा है कि जी अपनी ज़्यादातर क्रॉप है अपनी ज़्यादातर क्रॉप में क्लाइमेट चेंज के करके काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखना पैंदा है. सो मैनू लगता है कि अपनी दोनों जी इनफॉर्मेशन है गिवन स्टेटमेंट की एंड अपने पैसे की स्टेटमेंट की वह दोनों एक दूजे के नाल रिलेट कर दिया ने एंड इसका पॉसीबल आंसर की होना चाहिए स्टूडेंट्स ट्रू. एंड अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल चलेंगे. नैक्सट क्वेश्चन रीड करांगे. फर्टिलाइजर विल बी नीडिड फॉर सर्टन क्रॉप इन वर्टिकल फार्मिंग. वो कह रहा है कि फर्टिलाइजर की जरूरत पेगी सानू सर्टन क्रॉप्स के लिए वर्टिकल फार्मिंग जो असी करते हैं तो सानू किस चीज़ की लोड़ पेगी फर्टिलाइजर की. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये की अपने को होएगा जी कीवर्ड्स. फर्स्ट कीवर्ड है फर्टिलाइजर, सैकेंड कीवर्ड है सर्टन क्रॉप्स वर्टिकल फार्मिंग. अपने पैसेज वाल वापस जावांगे, फर्टिलाइजर लभन की ट्राई करांगे. फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर की गल हो रही है स्टूडेंट्स. सो अपा इनू पढ़ने की कोशिश करांगे जिथे सानू फर्टिलाइजर वाले गल करता हो वह कह रहा है कि इतों की अपना पढ़ा फर्टिलाइजर आप इतों पढ़ा कि देयर वुड बी नो वैदर रिलेटिड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट्स. वह कह रहा है कि इत्थे कोई भी वैदर दे नाल रिलेटेड जो कोई फेलियर होंदा है जिमें कि ड्रॉट्स होंदे ने फ्लड्स होंदे ने और पेस्ट्स होंदे ने इना दे नाल कोई भी फेलियर है जिहड़ा वह नहीं हो रहा किस दे विच वर्टिकल फार्मिंग दे विच. आल द फूड कुड बी ग्रोन ऑरगैनिकली, सारे फूड ऑरगैनिकली ग्रो किते जा सकते ने. Eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilizer
ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰੋਪਸ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਿਡ ਫੋਰ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰੋਪਸ ਇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅਫੈਕਟਿਡ ਬਾਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼। ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪਲਾਂਟ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਅਫੈਕਟਿਡ ਬਾਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਫੈਕਟਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ। ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇਜ ਵੱਲ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ? ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਸਿਸਟਮ ਵੁੱਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਸਿਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ? ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਟਰੂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਆਂਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ 8 to 10 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਟਰੂ, ਫਾਲਸ, ਟਰੂ, ਫਾਲਸ, ਟਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਓਕੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੂ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸ, ਟਰੂ, ਫਾਲਸ, ਟਰੂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇਜ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ 1 ਹੋਏਗਾ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲਿਆ
उसकी वह उसकी लाइन है जी उसकी स्टेटमेंट है जी कितों स्टार्ट हो रही है उतों की लैके वो पूरी स्टेटमेंट को रीड करना तो कंपेयर करना कि पैसेज की इनफॉर्मेशन एंड गिवन स्टेटमेंट की इनफॉर्मेशन एक दूजे नाल कितनी कर रेलेवेंट ने जे तो कंप्लीटली एग्री कर दिया ने तो आंसर होएगा ट्रू जे डिसएग्री कर दिया ने तो आंसर होएगा फॉल्स जे थोड़ी बोटी भी इररेलेवेंसी है तब उसका आंसर की होएगा नॉट गिवन इस ये जो स्ट्रक्चर है अपन हालांकि आज बहुत टाइम लग्या बट जो इस स्ट्रक्चर के उपर तुसी खुद प्रैक्टिस करोगे तो थानू ये स्टैप बाय स्टैप लैस टाइम दे विच एक्यूरेसी दे नाल आंसर है जिहड़ा वो फाइंड आउट करन दे विच बहुत हैल्प करेगा। मैं थोड़ा इस वीडियो नू देखण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद करदा एंड थानू सारयां नू रिक्वेस्ट करांगा कि मेरियां आने वाली वीडियोज़ नू भी तुसी बहुत प्यार दो एंड मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना जरूर याद रखो। धन्यवाद एंड सत श्री अकाल।